हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। जैसे आपका फंक्शन सपोज गिवन है y इज इक्वल्स टू, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैस एक्स अपॉन 2y माइनस वन। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन है आपको y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉज एक्स अप टू डैश 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 डैश। तो इसमें एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स इज कॉज एक्स। वैसे तो आप लोग क्या करते थे, इसको y सपोज करते थे एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, फिर उसको सॉल्व करते थे, कितना लंबा बनता था। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, कॉज एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स यानी कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स अपॉन टू वाई, यानी कि वाई आपका होल फंक्शन, ये जो गिवेन है, माइनस वन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैं एक और इसी में आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ। ये 1a था, अब मैं 1b आपको होमवर्क में देती हूँ। ये आप लोग खुद सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे बताइए। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, इसको आप लोग सॉल्व करिए। एक और दे देती हूँ, 1c, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट मैट्रिक बताती हूँ। ये मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक बताई थी, अब मैं आपको सेकेंड ट्रिक बताती हूँ। का क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, ये हो जाता है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस लॉग वाई इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। या फिर इसका एक और फॉर्मेट है, और y स्क्वायर अपॉन वन माइनस y log ऑफ एफ एक्स, एंड ये जो सेकेंड पार्ट है वो एज इट इज होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ओके, अब आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू log ऑफ x पावर log ऑफ x पावर log ऑफ x अप टू डैश डैश डैश। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2a मैं सॉल्व कर रही हूँ, 2b मैं होमवर्क में दूंगी। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स, यानी लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स और लॉग ऑफ, ये आपका आंसर होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, 2b, ये आपको करना है। अगर जो आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स अप टू डैश 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 डैश। 2c क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स पावर कॉज एक्स पावर कॉज एक्स
अप टू डैश 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 ट्रिक नंबर थ्री. तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ डैश एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट ले लेंगे. अपॉन एफ डैश वाई, इसमें एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ले लेंगे. ओके तो अब आपका क्वेश्चन है, तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है. आप एक्स वाई को अलग अलग नहीं कर सकते. इसको पहले एक्स के डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू पहले से आप वाई को कांस्टेंट ले लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हो जाएगा एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन एंड वाई की पावर एन, ये एज इट इज रहेगा. और ये ए टू दी पावर एम प्लस एन, तो ये कैंसिल हो जाएगा. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एन वाई टू दी पावर एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एम. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स की पावर एम माइनस वन को हम क्या दे सकते हैं, दे सकते हैं एम एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन अपॉन एन एक्स वाई टू दी पावर एन और वाई आपका ऊपर चला गया इंटू एक्स टू दी पावर एम. ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए. आपका आंसर क्या आ गया, एम वाई अपॉन एन एक्स. इसी तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है, हाँ एंड माइनस भी लगेगा बच्चों, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ही माइनस लगा हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, 3b. 3b है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो. 3c है आपका साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो. इससे भी आपको डी वाई बाय डी एक्स निकालना है. अब आपका एक और टाइप है, ट्रिक नंबर फोर. ट्रिक नंबर फोर में क्या करते हैं, आपको फंक्शन दिया हुआ है ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी. तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी सी डी अपॉन डी आर सॉरी डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर इनटू एफ डैश एक्स. फाइंड डी बाय डी एक्स थ्री लॉग एक्स प्लस फाइव टू लॉग एक्स प्लस सेवन. 4a क्वेश्चन. तो अब देखिए, तो अब देखिए इसमें क्या, पहले डिटर्मिनेंट्स आपका क्या बनेगा, टू लॉग एक्स प्लस सेवन का होल स्क्वायर की डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स यानी लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन. तो क्या है लॉग ऑफ एक्स का, वन बाय एक्स. तो आंसर आ गया 11 अपॉन टू लॉग एक्स प्लस सेवन का स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स. अब देखिए अगर जो यही क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 3 साइन एक्स प्लस 2 अपॉन 4 साइन एक्स
प्लस 5, तब तो आप इस फॉर्मेट से करेंगे। और इसी जगह पर अगर जो आपको क्वेश्चन गिवन है 3 साइन एक्स प्लस 2 अपॉन 4 कॉस एक्स प्लस 5, तो आपको लॉग लेकर के ही करना पड़ेगा या क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, तब आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि ये आपका एफ एक्स ही होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके गाइज, अब मैंने इसमें आपको बहुत सारे होमवर्क दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक।